गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सेंसस के बारे में, मतलब जनगणना जो 2011 में हुई थी, जिससे हमारे एग्ज़ाम में आई होप आप अगर देखेंगे सेंसस से इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें पहले तो सेंसस पढ़ना है, नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पुराने सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर करिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहली बात सेंसस, तो हम ये सेंसस जो है आया कब, तो सबसे पहला सेंसस हमें कौटिल्य के बुक अर्थशास्त्र में देखने को मिला था। कौन सी किताब में? अर्थशास्त्र की बुक में देखने को मिला था। ठीक, अब अगली बात करें तो इसके बाद सेंसस कब आया, तो आईने अकबरी ये किताब है, इसमें देखने को मिला था। और ये कब लिखी गई थी? 1595-96 के समय पर। तो इसमें सेंसस हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक, अब मॉडर्न इंडिया की हम बात अगर करें, कहाँ की बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो पहला सेंसस कब आया था? 1872 में। कब आया था? 1872 में। लेकिन ये प्रॉपर सेंसस नहीं था। तो प्रॉपर सेंसस कब आया था भारत में? प्रॉपर सेंसस 1881 में। अब आप देख रहे हैं 1872 में सेंसस आया, लेकिन जो प्रॉपर सेंसस है वो 1881 में आता है। किसके समय पर आता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है पेपर में, तो लॉर्ड रिपन के समय पर आया था। पहला प्रॉपर सेंसस 1881 में आया था। किसके समय पर? लॉर्ड रिपन के समय पर आया था। पहली बार सेंसस कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में मिला था, दूसरी बार हमने पढ़ा तो आईने अकबरी में ये देखा गया, तो उसके बाद तीसरा सेंसस मॉडर्न इंडिया में। देखो, सवाल इस तरीके से बनता है, मॉडर्न इंडिया का पहला सेंसस कब आया था? आंसर क्या होगा? 1872। ये मॉडर्न इंडिया की बात हो रही, पहला सेंसस 1872 में आ रहा है। सवाल एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है, पहला सेंसस जो हुआ था, मतलब प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक सेंसस कब हुआ, तब होगा आंसर 1881 में। किसके समय पर किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय पर किया गया था। इतनी बात आ गई समझ में। और इसके अब देखिए, मैंने आपको वायसराय पढ़ाया है, उसके बाद जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सभी मैंने आपको हर तरीके से बताए हुए हैं पॉलिटी के अंदर, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो सेंसस आता है 2011 में, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सब आप पढ़ते हैं। अब आता है 2011 का सेंसस, ये है कब का, यहाँ पे मैं लिख दूँ, मैं लिख दूँ कौन सा सेंसस है ये, 2011 का सेंसस। अब हम जो है सारे डेटा 2011 वाले पढ़ रहे हैं। ओके, पहला देखिए सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? मेल पर फीमेल। ठीक, तो सेक्स रेशियो अगर हम टोटल कहें, भारत का सेक्स रेशियो कितना था? 943 था। सारे सवाल पूछे गए हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का 2011 में सेक्स रेशियो क्या था, सीधा डेटा आपसे पूछा गया, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। टोटल कितना डेटा था? 943 सेक्स रेशियो था पूरे भारत का, 2011 का सेंसस है। अर्बन सेक्स रेशियो कितना था, मतलब अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र का, तो 929 था। ध्यान से देखिएगा, 9-9 सब में है, कंफ्यूज मत होना। ग्रामीण क्षेत्र का सेक्स रेशियो 949। देखिए, अर्बन में कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, अब हमें इसको याद कैसे करना है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अर्बन एरिया मतलब जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें कुछ पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा नॉलेज होती है, ज्ञान होता है कि हमें पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है, तो वहाँ पर सेक्स रेशियो कम है। कितना है? 929 है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पढ़े लिखे कम होते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए इसका सेक्स रेशियो ज़्यादा है, 949 है। कितने का अंतर आ रहा है? 20 का अंतर आ रहा है। अब 0-6 ये क्या है? अब 0-6 साल के बच्चों की यहाँ पर की गई है सेक्स रेशियो, कितना है? 919 है। अब 0 क्या होता है? 0 को ये छोड़ती है, देखो ये होता है न्यूली बॉर्न, मतलब ये कोई जन्मजात बच्चा है, वहाँ से जोड़ा जाता है, 6 साल तक के बच्चे का डेटा लिया जाता है। कितना है इसमें टोटल? 919 है। सारे डेटा याद रखिएगा, हर एक पे सवाल पूछे जा चुका है। अब मान लीजिए, हो सकता है कि चारों ऑप्शन ऐसे आपको दे दिया जाए, हो सकता है ये चारों ऑप्शन आपको वहाँ पे मिले, मैच करने को दे दिया जाए, क्योंकि आजकल सवाल कैसे भी बन रहा है, आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में, तो हर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आइए लिटरेसी रेट, 2011 में लिटरेसी रेट टोटल कितना है भारत का? 72.99, मतलब 72.99% क्या है टोटल सेक्स रेट, टोटल लिटरेसी रेट है। मेल लिटरेसी रेट 80.89 है, मतलब 80.89%।
फीमेल का लिटरेसी रेट है 64.64%। ये आसान है, 64-64 ऐसे याद कर लेंगे आप। रूरल लिटरेसी रेट कितना था, 67.77%। अर्बन लिटरेसी रेट 84.11%। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मेल का इसमें लिटरेसी रेट ज़्यादा है, अर्बन का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, दोनों ही पॉइंट ध्यान रखिएगा। अर्बन का कितना है, 84.11 है, मेल का कितना है, 80.89 है। अब आ जाइए इस पर, अब यहाँ से देखिए 2001 से 2011 के बीच में हमारी जो जनसंख्या है वो ग्रोथ कितना था, 181 मिलियन, मिलियंस की बात हो रही है, 181 मिलियन ग्रोथ रेट था 2001 से 11 के बीच में। अब आ जाइए, अब देखिए ग्रोथ यहाँ पे हो गया एक, मतलब हमने नंबर में बात कर ली। मान लीजिए आपसे पूछा जाए ग्रोथ रेट कितना था 2001 से 2011, या फिर पूछा जाता है 2010 तक, तो रेट कितना हो जाएगा, 1.23%। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, यहाँ पर जो रेड वाला लिखा है ये है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश। तो 2011 के सेंसस के अनुसार पहली सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है, चाइना। सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, थर्ड पर यूएसए है, फोर्थ पर इंडोनेशिया है, और फिफ्थ पर ब्राज़ील। लेकिन अब 2023 के अगर हम डेटा की बात करें, सवाल ऐसे ही बनता है 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन था, चाइना था, लेकिन 2023 के डेटा के अनुसार इंडिया हो चुका है। हमने किसी चीज़ में नहीं, लेकिन हमने पॉपुलेशन में ज़रूर ग्रो किया है। तो 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो चुकी है, सेकंड पे चाइना आ चुका है, थर्ड पे यूएसए, बाकी सब डेटा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट पे हम आएंगे, इलिटरेट स्टेट पे, यूनियन टेरिटरीज पे। ये जो होगा वो पार्ट टू में होगा, पहले वाले में आप इतना समझिए, इतना अच्छे से याद करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग डेटा होता है, एक साथ याद नहीं होता है, इसलिए मैं एक साथ आपको नहीं बता रही हूँ। पहले आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी पर नोट बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो होगा अगला वीडियो उसमें हम स्टेट पे आएंगे, स्टेट वाइज सारे डेटा पढ़ेंगे। और एक चीज़ और इसी के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पॉपुलेशन हम बात करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का जो है, अगर हम कहें कि अगर हम देखो लैंड, मतलब जो ज़मीनी हिस्सा है लैंड की बात करें, तो पूरे विश्व में भारत का कितना परसेंट है, 2.4%। और ये सवाल अभी लगातार सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, जितने भी एग्ज़ाम 2023 में हुए सारे एग्ज़ाम में ये वाला डेटा पूछा गया है। अब अगला बात देखो, अगर हम कहें, ये तो हो गया ज़मीनी हिस्सा की बात हमने कर ली, लेकिन अगर हम कहें पॉपुलेशन में, पूरे भारत पॉपुलेशन में भारत का कितना परसेंटेज है पूरे विश्व का, तो हो जाएगा 17.5%, 17.5%। ये पूरे इंडिया का डेटा है, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 17.5% की है, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं यूपी की हम बात कर लें, तो यूपी में ध्यान रखिएगा, पूरे इंडिया में अकेला यूपी है जिसकी कितनी टोटल परसेंटेज आती है, 16.5%। अब इसलिए साथ में यूपी इसलिए बता रहे ताकि आप दोनों को एक साथ याद कर सको, क्योंकि सेम टू सेम है। पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5% है, पूरे इंडिया में यूपी की जनसंख्या 16.5% है। दोनों डेटा ध्यान से देखिए, 1% का डिफरेंस है, इसलिए आपको एक साथ याद कर लेना, याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये इतने सारे डेटा आपको याद होना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।